तो दोस्तों फाइनली पबजी मोबाइल के अंदर आप लोगों का खुद का जो घर बनाने का जो मौका है वो फाइनली जो होम फीचर जो है फाइनली यहाँ पर आ चुका है। तो वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खुद यहाँ पर इसका यूज़ करने वाला हूँ एंड स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इसको ट्राई नहीं किया था, तो चलिए यहाँ पर धीरे धीरे जो है चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि गॉडल शोतोस होम यहाँ पर आ चुका है लॉबी के अंदर, और एंटर माई होम के ऊपर यहाँ पर दबाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ एग्रीज वगैरह करना होगा, तो यहाँ पर चलिए इसको एग्री करते हैं, एंटर करते हैं। एंड हमारा जो घर है यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और हम लोग यहाँ पर खुद का घर यहाँ पर खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर जो है घर कैसा बन सकता है उसका यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है। तो लिटरली इतना मस्त बनाने का तो मौका शायद से हम लोग को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर स्किप एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया। इसके बाद आप लोग देख सकते हो टैप द बिल्ड बटन टू एंटर बिल्ड मोड। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बोल रहा है कि आप लोग यहाँ पर बता रहा है कि आप लोगों को कैसे यहाँ पर घर को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट सर्फेस है, यहाँ पर आप लोगों का इंटीरियर होम। ठीक है, और यहाँ पर चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ज़मीन होता है ना वो आप लोगों को यहाँ पर लगाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक ज़मीन लग चुका है, उसके बाद हम लोगों का सेकेंड ज़मीन यहाँ पर लग चुका है, इसके बाद आप लोगों का थर्ड जमीन यहां पर लग रहा है, और इसके बाद चलिए हमारा फोर्थ जमीन यहां पर लग चुका है, और इसके बाद फिफ्थ और यहाँ पर सिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ज़मीन है वो लग चुका है, और देख सकते हो कि जितना हम लोग को बोला गया है उतना तक ही हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को बोला गया है कि बिल्ड डोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को डोर देखते हैं, तो यहाँ पर डोर है, तो यहाँ पर डोर हम लोग यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पर बना सकते हो, और यहाँ पर आप लोग डोर का जो मतलब दीख है वो परिवर्तन कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर जो है डोर को यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर एक डोर एक घर के लिए ठीक ही है, उससे ज़्यादा यहाँ पर बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद हम लोग करते हैं कि विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर विंडो बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक विंडो बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक विंडो बना चुके हैं, और एक घर का एक विंडो सफिशियंट होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके बाद हम लोग को बोला कि बिल्ड ऑन द रिमेनिंग साइड्स, मतलब वॉल। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है कि साइड के जो वॉल है वो बना लो, तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग के पास और इनफ आइटम नहीं है, तो एज अ रिजल्ट हम लोग अभी और वॉल नहीं बना सकते। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, वहाँ पर एक विंडो और एक डोर बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग को यहाँ पर जो है बेड लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर चलिए हम लोग हमारा जो बेड है उसको लगा लेते हैं रूम के अंदर। यहाँ पर हम लोग जो है बेड को यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद फाइन ट्यून, मतलब आप लोग जो दिख परिवर्तन है वहाँ पर शायद से कर सकते हो, तो हम लोगों का ठीक ही है इसी जगह पर। इसके बाद आप लोगों का बोला गया है कि एंटर द रूम एंड प्लेस द फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को फर्नीचर प्लेस करने के लिए मिल रहा है। तो लैम्प यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लैम्प को यहाँ पर जो है यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर लैम्प मतलब लाइट होता है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लाइट को लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद रिपोजिशन द फर्नीचर, मतलब पोजिशन को आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसके बाद बोला गया है कि बिल्ड स्टेयर केसेस, तो यहाँ पर आप लोग सीढ़ियों को बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं स्टेयर केसेस कहाँ पर है, तो यहाँ पर सीढ़ियों बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का होम अपग्रेड करने के लिए मौका मिल रहा है, मतलब घर को आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। मतलब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि खुद का घर कैसा बना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट वगैरह के अंदर आप लोग इसको अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अपग्रेड करोगे तो और भी बहुत सारे जो फीचर्स है का अनलॉक हो जाए एंड आप लोग जो है घर को यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अप्लाई मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मटेरियल वगैरह यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि पेपर वगैरह डिज़ाइन वगैरह आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी के लिए इतना ही बता दिया, तो बाकी आप लोग देख लेना कि यहाँ पर सेव एंड स्विच कर लेते हैं, और यहाँ पर ऐसे ही आप लोग जो है अपना घर को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही आप लोगों को बताना था। एंड इसके अलावा आप लोग घर को डेकोरेट वगैरह करने के लिए आप लोग होम शॉप यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, जो आप लोगों को चियर पार्क के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहले आप लोग यहाँ पर चियर पार्क अगर डाउनलोड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि चियर पार्क के अंदर से जाकर आप लोगों को यहाँ पर कुछ करेंसीज वगैरह होगा, होम करेंसीज वगैरह होगा, वो आप लोगों को चाहिए होगा। आप लोगों का आगे एक दो दिन के अंदर बता दूंगा कि होम आप लोगों को कॉइन्स कहाँ से मिलेगा, उन होम कॉइन्स के हेल्प से आप लोग जो है और भी चीज़ें यहाँ पर ले सकते तो जिन चीज़ों को आप लोग जो यहाँ पर घर को डेकोरेट करने के लिए बनाने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग बोल सकते हो कि ये काइंड ऑफ मज़े के लिए है, आप लोग बोल सकते हो कि खुद का घर बनाने के लिए चीज़ें हैं, और कुछ यहाँ पर ज़्यादा फनी चीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आप लोग इस चीज़ को बना रहे हो कि नहीं ज़रूर कमेंट्स बताना। तो चलिए आज के वीडियो को यही देखते, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।